हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाइक की टाइमिंग चेन के बारे में। जो बाइक की टाइमिंग चेन से एबनॉर्मल साउंड आने लगता है, जो आवाज़ आने लगती है, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और अपनी बाइक की टाइमिंग चेन को पहले जैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको टाइमिंग चेन की पोजिशन दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ से लेकर नीचे ऊपर तक राउंड में लगी रहती है और मूव करती है। यहाँ आप देख सकते हैं टाइमिंग चेन टेंशनर लगा हुआ है। ये यहाँ से आप अपनी टाइमिंग चेन को एडजस्ट कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा एडजस्ट कर सकते हैं। ये टाइमिंग चेन टेंशनर है जो कि ब्लॉक में लगा रहता है, इस तरह ये फिक्स रहता है और बीच में ये एडजस्ट का ऑप्शन रहता है। तो 20 से आपको एडजस्ट करना है, तो कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले 10 नंबर के पाने से इसके ऊपर जो ये नट लगा रहता है इसको ओपन कर लें, इस तरह ओपन कर लेंगे 10 नंबर के पाने से, और टाइमिंग चेन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ, इसके अंदर एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन रहता है। तो इसके अंदर कैसा रहता है आप देख सकते हैं। इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर लगा के आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, तो आपकी टाइमिंग चेन जो है वो टाइट हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन रहता है, इसके अंदर मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको एक्चुअल वर्किंग दिखा देता हूँ कि एक्चुअली ये किस तरह वर्क करता है, किस तरह आप अपनी बाइक की टाइमिंग चेन को टाइट कर सकते हैं। तो ये है चेन टेंशनर जो कि इस तरह आपकी बाइक में लगा रहता है। तो आप इसको कैसे क्या करें जिससे आपकी बाइक की टाइमिंग चेन टाइट हो जाए, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर लगाना है आपको छोटा वाला, जो कि इसके अंदर चला जाए और आसपास जो नट की चूड़ियाँ रहती हैं वो ख़राब ना हो। तो इसको आपको उल्टा घुमाना है, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो आप देखेंगे ये पीछे से ये बाहर आ रहा है, तो ये क्या करता है टाइमिंग चेन पर प्रेशर डालता है और जो टाइमिंग चेन ढीली हो जाती है तो वो वापस टाइट हो जाती है। ये प्रेशर डालता है तो वो वाइब्रेट नहीं करती है और उससे आवाज़ नहीं आती है। तो इसको आपको मूव करना है, इसको उल्टा घुमाना है, इस बात का आप ध्यान रखें, इसको आपको उल्टा घुमाना है टाइमिंग चेन को टाइट करने के लिए। यहाँ पर ये लगेगा स्क्रू ड्राइवर छोटा वाला इस तरह का, इसको यहाँ लगाएंगे पहले, उसके बाद इसको जब टाइट करते हैं तो ये अंदर आता है, अंदर आएगा तो आपकी टाइमिंग चेन पर प्रेशर नहीं डालेगा, तो क्या होगा टाइमिंग चेन आवाज़ करेगी टाइट करेंगे। तो अब इसको उल्टा घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इस तरह घुमाएंगे तो ये बाहर आएगा और आपकी बाइक की टाइमिंग चेन को टच करेगा, उसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो बाइक की टाइमिंग चेन आवाज़ करना बंद कर देगी। तो इसकी एक लिमिट रहती है कि ये कितना बाहर आकर टाइमिंग चेन पे प्रेशर डाल सकता है। तो आपको करना क्या है, इस तरह का छोटा स्क्रू ड्राइवर लेंगे, अपनी बाइक का जो नट है वो मैंने आपको बताया 10 नंबर से खोलेंगे और स्क्रू ड्राइवर को लगा देंगे और इसको उल्टा घुमाएंगे। ये आप देखिए, सीधा नहीं घुमाना है, उल्टा घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है, और इससे आपकी जो टाइमिंग चेन है उस पर प्रेशर आएगा और वो आवाज़ करना बंद कर देगी। इसकी एक लिमिट रहती है कि ये कितना प्रेशर उस पर डाल सकता है, अगर फुल टाइट करने पर भी, मतलब उसको आप घुमाएंगे उल्टा, फुल करने पर भी अगर आपकी बाइक की टाइमिंग चेन से आवाज़ आ रही है तो टाइमिंग चेन रिप्लेस करवा लें और एडजस्ट कर सकते हैं, अगर एडजस्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप रिप्लेस करवा लें और इसको वापस अपनी पोजीशन पर लगा देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।